नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और ये है Vivo T2 5G। दोस्तों, अगर आपने इस फोन को परचेस किया है या अगर आप इसे परचेस करने वाले हो तो जैसे आप अपने फोन में सेटअप कंप्लीट करोगे आपको तुरंत चेंज करनी है ये 20 सेटिंग्स। ये सभी सेटिंग्स काफी जरूरी है आपके फोन के प्रोडक्टिविटी, सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए। इन 20 सेटिंग्स को चेंज करने के बाद आप काफी बेहतर तरीके से अपने फोन को यूज कर पाओगे। तो आइए दोस्तों, चेंज करते हैं उन सभी 20 सेटिंग्स को वन बाय वन। आप अपने फोन में डबल टैप टू लॉक और डबल टैप टू ऑन के फीचर को यूज कर सकते हो। तो इसे इनेबल करने के लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, शॉर्टकट्स में, स्मार्ट मोशन, स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ, दोनों ऑप्शन को आपको ऑन करना है। डबल टैप टू वेक, डबल टैप टू टर्न ऑफ, दोनों को ऑन कीजिए। आपने गौर किया होगा जब भी आप होमपेज पे स्वाइप डाउन करते हो तो आपको मिलता है ये ग्लोबल सर्च का ऑप्शन। हालांकि मुझे ग्लोबल सर्च नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं कि जब भी मैं स्वाइप डाउन करूं तो मुझे चाहिए क्विक पैनल, तो आप इसे भी इनेबल कर सकते हो। तो आपको होम पेज पे लॉन्ग टैप करना है, होम सेटिंग्स को ओपन कीजिए और ये जो ऑप्शन है स्वाइप डाउनवर्ड्स आपको इस पे टैप करके करना है। नोटिफिकेशन ड्रॉअर पे सिलेक्शन, इसके बाद अगर मैं होम पेज पे करूंगा स्वाइप डाउन तो अब यहाँ पे ग्लोबल सर्च का ऑप्शन शो नहीं होगा, अब मुझे मिलेगा कंट्रोल सेंटर। इस फोन में आपको मिलता है गूगल का डायलर, मतलब कि आप अपने फोन में कॉल तो रिकॉर्ड कर सकते हो लेकिन उसमें होती है एक अनाउंसमेंट, तो सामने वाला जान जाता है जब आप उसके कॉल्स को रिकॉर्ड करते हो तब। लेकिन आप अपने फोन में बिना किसी अनाउंसमेंट के भी कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हो ताकि सामने वाले को पता ना चले। तो इस फीचर को इनेबल करने के लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, एप्स में, और यहाँ पे लास्ट में होगा ऑप्शन इनेबल अल्टरनेट फोन एंड कॉन्टैक्ट्स, इस पे टैप करके आपको इसे ऑन करना है। ओके कीजिए, सेट नाउ कीजिए, जो फोन ऐप है ग्रीन कलर में उस पर सिलेक्शन कीजिए। इसके बाद अगर आप देखोगे होम पेज पे गूगल डायलर रिप्लेस हो चुका है फोन ऐप से। ये है वीवो का डिफॉल्ट डायलर जिसमें आपको मिलेगा रिकॉर्डिंग का फीचर और वो भी बिना किसी अनाउंसमेंट के साथ। तो आपको इस पे टैप करके इसे ओपन करना है, टिक करके एग्री कीजिए, जाइए सेटिंग्स में और यहां पे होगा कॉल रिकॉर्डिंग, आपको इसे करना है ऑन, रिकॉर्ड ऑल कॉल्स ऑटोमेटिकली, टिक करके कीजिए एग्री। अब आपके सारे कॉल्स हो जाएंगे ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड और सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा। मान लेते हैं आपका फोन लॉक है और ऐसे में अगर कोई आकर आपके फोन में कंट्रोल सेंटर को एक्सेस करना चाहता है तो काफी इजीली एक्सेस कर सकता है बिना किसी पासवर्ड के। इतना ही नहीं, अगर वो चाहे तो किसी भी टॉगल को ऑन ऑफ कर सकता है, सेटिंग्स को एक्सेस कर सकता है। तो अगर आप चाहते हो ऐसा ना हो तो आप लोकेशन पे जो कंट्रोल सेंटर है उसे ब्लॉक कर सकते हो ताकि कोई भी बिना पासवर्ड के इसे एक्सेस ना कर सके। तो उसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर, लॉक स्क्रीन सेटिंग्स, और ये जो ऑप्शन है ओपन कंट्रोल सेंटर इसे आपको ऑफ करना है। इसके बाद अगर आपका फोन लॉक होता है तो कोई भी आपके फोन में कंट्रोल सेंटर को एक्सेस नहीं कर पाएगा। आप देख सकते हो जब आपका फोन अनलॉक होगा तभी आप उसे एक्सेस कर पाओगे। इस फोन में पावर मेनू को एक्सेस करना थोड़ा अलग है, आपको पावर बटन और वॉल्यूम अप दोनों को एक साथ प्रेस करना पड़ता है इस तरीके से, तब आप एक्सेस कर पाओगे इस पावर मेनू को। लेकिन अगर आप चाहते हो बस मुझे पावर की प्रेस करने पे ही ये पावर मेनू शो करे तो आप ऐसा भी इनेबल कर सकते हो, आपको दो बटन को प्रेस नहीं करना पड़ेगा। तो आपको जाना है सेटिंग्स में, शॉर्टकट्स में, प्रेस एंड होल्ड पावर बटन, प्रेस एंड होल्ड पावर बटन पे टैप कीजिए और यहाँ पे इनेबल द पावर मेनू इस पे सिलेक्शन कीजिए। इसके बाद अब आपको केवल प्रेस करनी है एक बटन, आपको पावर की पे लॉन्ग प्रेस करना है। इसके बाद आपको मिल जाएगा ये पावर मेनू जहां से आप अपने फोन को रिस्टार्ट या पावर ऑफ कर पाओगे। क्या आपको पता है अगर कोई चाहे तो आपके फोन को बड़ी आसानी से स्विच ऑफ कर सकता है और वो भी बिना पासवर्ड के। तो अगर मैं चाहूं तो आप देखोगे अब अगर कोई आएगा और मेरे फोन को करेगा स्विच ऑफ तो आप देखोगे बिना पासवर्ड के मेरा फोन हो जाएगा स्विच ऑफ। तो अगर आप चाहते हो आपके फोन को कोई भी बिना पासवर्ड के स्विच ऑफ ना कर पाए तो आप स्विच ऑफ करने के लिए पासवर्ड को इनेबल कर सकते हो। तो आपको जाना है सेटिंग्स में, प्राइवेसी में, और ये जो ऑप्शन है अनलॉक टू पावर ऑफ आपको इसे ऑन करना है। इसके बाद अगर आपका फोन लॉक होता है ऐसे में अगर कोई आकर आपके फोन को स्विच ऑफ करना चाहेगा तो उसे एंटर करना पड़ेगा पासवर्ड, तभी आपके फोन को वो कर पाएगा स्विच ऑफ। अगर आपने अपने फोन में फेस अनलॉक को इनेबल किया है तो जब भी आप अपने फोन को फेस स्कैन करके अनलॉक करोगे तो आपका फोन अनलॉक तो हो जाता है, आप यहाँ पर देख पा रहे हो लॉक खुल चुका है, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से आपका फोन अनलॉक हुआ नहीं है। आपको करना पड़ता है एंड में स्वाइप अप, तभी आपका फोन पूरी तरीके से अनलॉक होता है। तो अगर आप चाहते हो फेस से स्कैन करने पे मुझे इस तरीके से स्वाइप अप ना करना पड़े, बिना स्वाइप किए ही मेरा फोन डायरेक्ट अनलॉक हो जाए, तो आप ऐसा भी इनेबल कर सकते हो। आपको फेस स्कैन करने पे
स्वाइप नहीं करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, सिक्योरिटी में, फेस पे टैप कीजिए और जो ऑप्शन है स्टे ऑन लॉक स्क्रीन आपको इसे ऑफ करना है। इसके बाद अगर मैं अपने फोन को फेस से अनलॉक करूंगा तो मुझे अब स्वाइप अप नहीं करना पड़ेगा, मेरा फोन डायरेक्ट हो जाएगा अनलॉक, आप देख सकते हो। आप जब भी अपने फोन को पिन से अनलॉक करते हो तो आपने गौर किया होगा पिन एंटर करने के बाद आपको एंड में टिक पे टैप करना पड़ता है। अगर आप टिक पे टैप नहीं करोगे तो आपका फोन अनलॉक नहीं होगा, टिक पे टैप करने पे ही आपका फोन अनलॉक होगा। तो अगर आप चाहते हो एंड में मुझे टिक पे टैप ना करना पड़े, पिन एंटर करने के बाद तुरंत मेरा फोन अनलॉक हो जाए, तो आप ऐसा भी इनेबल कर सकते हो। तो जाइए सेटिंग्स में, सिक्योरिटी में, स्क्रीन लॉक पे टैप कीजिए, पिन पे टैप कीजिए, आपका सेम पिन एंटर कीजिए, बॉक्स में टिक कीजिए, नेक्स्ट कीजिए, सेम पिन कंफर्म कीजिए और फिर आप जब अपने फोन को अनलॉक करोगे पिन से तो अब आपको टिक पे टैप नहीं करना पड़ेगा। जैसे आप अपने पिन को एंटर करोगे तुरंत आपका फोन अनलॉक हो जाएगा टिक पे टैप किए बिना, आप देख सकते हो इस तरीके से। आप जब भी किसी भी ऐप में या वेबसाइट पे लॉगिन करते हो तो आपको एंटर करना पड़ता है पासवर्ड, और जब भी आप पासवर्ड को एंटर करते हो तो कुछ समय के लिए जो लेटर्स होते हैं शो करते हैं पासवर्ड बॉक्स में, आप देख सकते हो जो भी मैं टाइप कर रहा हूँ यहाँ पे कुछ समय के लिए आपको शो करेगा, मतलब कि अगर बगल में कोई बैठा होगा तो आसानी से जान पाएगा कि आप कौन से पासवर्ड को टाइप कर रहे हो। तो अगर आप चाहते हो टाइप करने पे ऐसे लेटर शो ना करें पासवर्ड बॉक्स में तो आप इसे डिसेबल कर सकते हो। तो उसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, प्राइवेसी में, और जो ऑप्शन है शो पासवर्ड आपको इसे ऑफ करना है। इसके बाद अगर आप किसी भी ऐप या वेबसाइट पे लॉग इन करोगे तो आपको अब लेटर शो नहीं करेंगे, आप कौन सा पासवर्ड टाइप कर रहे हो अब यहाँ पे कोई भी देख नहीं पाएगा। आप ऊपर में देख सकते हो यहाँ पे जो पासवर्ड है हिडन हो चुका है। क्या आपको पता है आप अपने फोन में बिना किसी ऐप को डाउनलोड किए व्हाट्सएप के डिलीट किए गए मैसेज को भी बड़ी आसानी से रीड कर सकते हो? जैसे कि आप देखोगे व्हाट्सएप में इस कॉन्टैक्ट ने इन दो मैसेज को किया डिलीट, मैंने इसे रीड नहीं किया और मुझे नहीं पता कि एक्चुअली में ये मैसेज क्या थे। तो अगर आपको जानना हुआ ये मैसेज क्या थे तो आपको जाना है सेटिंग्स में, नोटिफिकेशन में, नोटिफिकेशन हिस्ट्री को ओपन करके आपको इसे ऑन करना है। इसके बाद आपको जाना है नीचे और यहाँ पे होगा लास्ट 24 आवर का ऑप्शन, आपको व्हाट्सएप के एरो पे टैप करना है और यहाँ पे टाइम चेक करना है। टाइम को देखकर आपको अंदाजा आएगा कि उस टाइम पे जो मैसेज सेंड किया गया था वो क्या था, जो मैसेज डिलीट किया था अब आप उसे यहाँ पे रीड कर सकते हो इस तरीके से। अगर आप चाहो तो आप अपने फोन को और ज्यादा फास्टर कर सकते हो, तो उसके लिए आपको करनी है आपके फोन में दो चीजें। आपको जाना है सेटिंग्स में, डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में, स्क्रीन रिफ्रेश रेट इसे ओपन करके आपको सेट करना है 90 हर्ट्ज पे। इसके अलावा आपको जाना है बैक सेटिंग्स में, अबाउट फोन में, सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में, बिल नंबर पे आपको लगातार 7 टाइम्स टैप करना है 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद बैक जाइए सेटिंग्स में, सिस्टम को ओपन कीजिए और यहाँ पे होगा नया ऑप्शन डेवलपर ऑप्शंस, आपको इसे ओपन करके नीचे आना है और यहाँ पे होंगे डिस्प्ले में ये तीन ऑप्शंस, विंडो एनिमेशन स्केल, ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल और एनिमेटर ड्यूरेशन स्केल, आपको सभी को सेट करना है 0.5x पे, तो 0.5x सेट कीजिए तीनों के लिए। इसके बाद आपका फोन पहले से ज्यादा फास्ट हो जाएगा, आप इंस्टेंटली नोटिस कर पाओगे। आप अपने फोन में स्क्रीन को ऑफ करने पे भी YouTube म्यूजिक को प्ले कर सकते हो, मतलब कि आपके फोन में स्क्रीन ऑफ रहेगी लेकिन आपके फोन में YouTube म्यूजिक प्ले होता रहेगा बैकग्राउंड में। तो जाइए सेटिंग्स में, अल्ट्रा गेम मोड में, गेम सेडबार को ऑन कीजिए, नीचे यहाँ पे मिलेगा आपको ऐड का ऑप्शन, ऐड पे टैप कीजिए और यहाँ पे होगा YouTube म्यूजिक, आपको इसे ऑन करना है। तो अगर आप ओपन करोगे YouTube म्यूजिक को तो आपको यहाँ पे शो करेगा कि गेम सेडबार, आपको पहले अपने म्यूजिक को प्ले करना है फिर आपको स्लाइड करके इसे ओपन करना है। यहाँ पे होगा एक ऑप्शन जो है ऑटो प्ले विथ स्क्रीन ऑफ, आपको इस पर टैप करके इसे ऑन करना है। इस तरीके से आपके फोन में स्क्रीन ऑफ हो जाएगी लेकिन YouTube म्यूजिक प्ले होता रहेगा बैकग्राउंड में। स्टेटस बार को गैप करने के लिए आपको अपने फोन को करना है रोटेट, इसके बाद जो स्टेटस बार है वो भी गैप हो जाएगा, अभी आप पे कुछ भी शो नहीं करेगा, स्क्रीन ऑफ हो चुकी है। अगर आपको फिर से इसे ऑन करना हो तो कीजिए स्लाइड इस तरीके से। अगर आप अपने फोन के स्टेटस बार पे बैटरी लेवल और जो रियल टाइम नेटवर्क स्पीड है उसे शो करना चाहते हो तो आप इसे भी इनेबल कर सकते हो। आपको जाना है डिस्प्ले में, स्टेटस बार में और यहाँ पे होंगे दो ऑप्शन नेटवर्क स्पीड के लिए और बैटरी लेवल के लिए, दोनों को ऑन कीजिए। अब ऊपर में आपको शो करेगा बैटरी परसेंटेज और नेटवर्क स्पीड, आपने अपने फोन में आज के दिन और इस महीने कितना डेटा यूज किया है, आप जो डेटा इन्फॉर्मेशन है उसे शो कर सकते हो इस तरीके से क्विक पैनल में। तो अगर आप चाहते हो इसे इस तरीके से शो करना तो उसके लिए आपको सेटिंग्स के आइकन पे लॉन्ग टैप करना है,
जाना है डेटा मैनेजमेंट में और आपको इसे ऑन करना है। फिर इसमें आपको ये जो ऑप्शन है शो डेटा इन्फॉर्मेशन, इसे ऑन करना है और डेटा वार्निंग लिमिट पे टैप करके इसे ओपन कीजिए। सेट डेटा लिमिट को ऑन कीजिए, ओके कीजिए और यहाँ पे आपको डेटा लिमिट सेट करनी है डेली। अगर होती है 2 GB तो आपको यहाँ पे करना है 2 GB सेट। तो जब भी 2 GB लिमिट आपकी खत्म हो जाएगी ऑटोमेटिकली आपका जो डेटा है या मोबाइल डेटा है ऑफ हो जाएगा और डेटा कितना यूज हुआ है आप रियल टाइम में यहाँ पे चेक कर पाओगे जब चाहे तब। इस फोन में आपको मिलता है एज लाइटिंग का फीचर, तो अगर आपके फोन में कोई भी नई नोटिफिकेशन आती है या कॉल आता है तो आपको मिलेगा एज लाइटिंग इफेक्ट। तो इसे इनेबल करने के लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, डायनामिक इफेक्ट्स में, एम्बिएंट लाइट इफेक्ट में, आपको दोनों को ऑन करना है। इसके बाद यहाँ पे इनकमिंग कॉल्स को भी ऑन कीजिए। इनकमिंग कॉल के लिए आपको कौन सा एज लाइटिंग इफेक्ट इनेबल करना है तो आप यहाँ से चूज कर सकते हो। जब भी कॉल आएगा तब आपको इस तरीके से एज लाइटिंग इफेक्ट शो किया जाएगा, आपको अप्लाई पे टैप करना है। सेम तरीके से यहाँ पे है नोटिफिकेशन, तो कौन कौन से ऐप्स के लिए आपको एज लाइटिंग को इनेबल करना है, सभी के लिए चाहते हो तो आप ऑल ऐप्स पे ऑन कीजिए। अगर आप पर्टिकुलर ऐप्स को चाहते हो तो उन ऐप्स को ऑन कीजिए। तो इन ऐप्स से अगर कोई भी नोटिफिकेशन आएगी तो आपको मिलेगा एज लाइटिंग इफेक्ट और आप यहाँ से जो लाइट इफेक्ट है उसे चूज कर सकते हो अपने हिसाब से। अप्लाई पे टैप कीजिए। इस फोन में आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी फीचर मिलता है लेकिन बाय डिफॉल्ट ये ऑफ रखा गया है। तो इसे ऑन करने के लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर में और यहाँ पे होगा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, आपको इसे ओपन करके इसे ऑन करना है। और ये जो ऑप्शन है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फॉर न्यू नोटिफिकेशन, आपको इसे भी ऑन करना है। इससे होगा क्या, जब भी आपके फोन में नई नोटिफिकेशन आएगी तो AOD ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। फिर आपको AOD के लिए कौन से स्टाइल को चूज करना है तो आपको यहाँ पे टैप करना है और यहाँ पे आपको मिलेंगे कई सारे स्टाइल्स। आपको जिस स्टाइल को चूज करना है AOD के लिए आपको उसे करना है सिलेक्ट, जैसे मैंने किया है इसे। और आप जो एज पे जो टाइम है इस तरीके से शो कर सकते हो, कलर भी यहाँ से चूज कर सकते हो। आपको करना है अप्लाई पे टैप। तो जब भी आपके फोन में स्क्रीन ऑफ होगी आपको मिलेगा इस तरीके से AOD। हालांकि ऑल द टाइम शो नहीं करेगा, दो केस में अब ये शो करेगा। एक तो आप अपने फोन को मूव करोगे या शेक करोगे, इसके अलावा जब भी नई नोटिफिकेशन आएगी तब आपको शो करेगा AOD। आप अपने फोन को बिना अनलॉक किए या अपने फोन के डिस्प्ले को बिना ऑन किए शॉर्टकट तरीके से काफी इजीली टॉर्च और कैमरा को ओपन कर पाओगे। तो आपको जाना है सेटिंग्स में, शॉर्टकट्स में, स्मार्ट मोशन में। सबसे पहले आपको इस ऑप्शन को ऑन करना है, शेक टू टर्न ऑन द फ्लैशलाइट, इसे ऑन कीजिए। इसके बाद ओपन कीजिए स्मार्ट वेक को और यहाँ पे होगा स्वाइप डाउन टू टेक अप फोटो, इसे ऑन कीजिए। तो मान लेते हैं आपका फोन लॉक है, डिस्प्ले ऑफ है, ऐसे में अगर आपको क्विकली कैमरा ओपन करके फोटो कैप्चर करना हुआ तो आपको करना है स्लाइड डाउन, कैमरा ओपन होगा और आप काफी इजीली फिर फोटो को कर पाओगे कैप्चर। टॉर्च आप दो तरीके से ऑन कर सकते हो, जब आपके फोन में डिस्प्ले ऑन होता है तब आपको अपने फोन को शेक करना है ऐसे, आप देख पा रहे हो यहाँ पे टॉर्च ओपन हो जाएगा, हालांकि आपको यहां से फिर उसे ऑफ करना पड़ेगा। और जब आपके फोन में डिस्प्ले ऑफ होता है ऐसे में अगर आपको टॉर्च को ऑन ऑफ करना हुआ तो आपको पावर बटन वॉल्यूम डाउन दोनों को एक साथ प्रेस करना है इस तरीके से, टॉर्च हो जाएगा ऑन और ऑफ करने के लिए दोनों को प्रेस कीजिए साथ में। आपने गौर किया होगा होम पेज पे आपको देखने मिलेंगे दो आइकन्स, हॉट ऐप्स और हॉट गेम्स। इसके अलावा ऐप ड्रॉअर में भी आपको दो आइकन्स शो करेंगे, हॉट ऐप्स, हॉट गेम्स। हालांकि दोनों अगर आपको लगता है कि ये काम के नहीं है मेरे लिए तो आप इन्हें यहां से रिमूव भी कर सकते हो। रिमूव करने के लिए आपको इस पे लॉन्ग टैप करना है, सेटिंग्स पे टैप कीजिए और यहां पे होगा क्रिएट हॉट ऐप्स एंड हॉट गेम्स, आपको इसे ऑफ करना है। इसके बाद आपको जो हॉट ऐप्स हॉट गेम्स के शॉर्टकट्स आइकन से शो नहीं करेंगे, ऐप ड्रॉअर से भी और होम पेज से भी यहां से रिमूव हो चुके हैं, आप देख सकते हो। इस फोन में हैप्टिक्स को बाय डिफॉल्ट ऑफ रखा गया है, मतलब कि अगर आप किसी भी जेस्चर का यूज करोगे या किसी भी टॉगल को ऑन ऑफ करोगे तो आपके फोन में वाइब्रेशन नहीं होगा। तो अगर आप चाहते हो वाइब्रेशन हो तो आपको जाना है सेटिंग्स में, साउंड एंड वाइब्रेशन में और यहां पे होगा टच वाइब्रेशन, आपको इसे ऑन करना है। इसके बाद आप किसी भी टॉगल को ऑन ऑफ करोगे या आप करोगे जेस्चर का यूज तो आपको मिलेगा आपके फोन में हैप्टिक फीडबैक या वाइब्रेशन। आपके फोन में UI को बेहतर करने के लिए करनी है 4 चीजें। सबसे पहले तो जो UI कलर है आपको इसे बाय डिफॉल्ट पे सेट करना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो सभी ऑप्शन के लिए सेम कलर शो कर रहा है लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता, तो आपको होम पेज पे लॉन्ग टैप करना है, UI कलर पे टैप करके आपको सिस्टम एंड UI कलर को ऑफ करना है। इसके अलावा आपको फॉन्ट स्टाइल को चेंज करना है तो आपको जाना है डिस्प्ले में, फॉन्ट स्टाइल में, क्लासिक फॉन्ट्स पे सिलेक्शन कीजिए, अप्लाई कीजिए, बैक जाइए, फॉन्ट एंड डिस्प्ले साइज पे टैप करके आपको करना है इसे बोल्ड टेक्स्ट में इनेबल।
और यहाँ पे आपको सेट करना है लाइव वॉलपेपर, आपको लॉन्ग टैप करना है। वॉलपेपर पे टैप कीजिए, सबसे एंड में आपको मिलेगा थ्री डॉट का आइकन, आपको उस पर टैप करना है। लाइव वॉलपेपर पे टैप कीजिए और ये है वॉलपेपर, टैप करके आपको करना है अप्लाई सेट टू लॉक स्क्रीन एंड डेस्कटॉप। तो यहाँ पे सेट हो चुका है लाइव वॉलपेपर जो आपको इस तरीके से शो करेगा। दोस्तों तो ये थी वो 20 सेटिंग्स जो आपको चेंज करनी थी आपके वीवो T2 5G फोन में। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर पे भी मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।